हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे किसी व्यूवर ने कमेंट किया है कि मैं एटलस साइकिल के हैंडल की भी सर्विसिंग करके दिखाऊं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एटलस साइकिल के हैंडल की सर्विसिंग करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों, साइकिलिंग करने से हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन उत्तम रहता है। तो दोस्तों, ये है सादी एटलस साइकिल। अब हम इसके हैंडल का सर्विसिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्रेक के दोनों नट को लूज कर लेंगे 10-11 के ओपन स्पैनर से। उसके बाद हम 13 के ओपन स्पैनर से ये वाला बोल्ट लूज कर लेंगे। बस इतना ही लूज करेंगे, ज्यादा नहीं। अब हम बॉटम पाने से हैंडल के इस वाले लॉक नट को लूज कर लेंगे। उसके बाद हम इस स्लिप जॉइंट प्लायर से ये वाली राउंड थ्रेडेड रिंग को लूज करके ऊपर कर लेंगे। इसे लूज करके ऊपर लेने पर स्टील बॉल्स नीचे गिरेंगे। आप चाहे तो मैग्नेट की मदद से इन्हें निकाल सकते हैं। अब साइकिल का हैंडल फ्री हो चुका है। अब हम किसी लकड़ी या प्लास्टिक की मदद से हैंडल को ऊपर की तरफ ठोक कर बाहर निकाल लेंगे। अब हम व्हील के साथ चिमटे को भी बाहर निकाल लेंगे। अब हमने चिमटे को बाहर निकाल लिया व्हील के साथ। अब यहाँ देखिए इस चिमटे की तरफ, एक कटोरी और स्टील बॉल्स अगर ज्यादा घिसे हुए हो तो दोनों को चेंज कर देंगे। अब हम साफ कपड़े पर गोलियों को निकाल लेंगे। उसके बाद हम कटोरी को बाहर निकाल लेंगे और चेक करेंगे। सबसे पहले कटोरी को हम कपड़े से साफ कर लेंगे। कटोरी अभी सही है, इसलिए हम कटोरी को रहने देंगे, सिर्फ गोलियां ही चेंज करेंगे। चिमटे को हम कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। चिमटे में हम दोनों जगह ग्रीस लगा लेंगे, एक जहां कटोरी बिठाना है और एक थ्रेडिंग के ऊपर। अब हम जो फ्लैट कटोरी है जो यहाँ बिठाना है नीचे, उसको ग्रीसिंग कर लेंगे। अब हम इस फ्लैट कटोरी को चिमटे में बिठा लेंगे। अब हम टॉप वाली कटोरी में भी ग्रीस लगा लेंगे। ये देखिए जो कर्व है, जो इसके ऊपर बिठाते हैं उसमें भी ग्रीस लगा लेंगे। अब हम गोलियों को बिठा लेंगे।
24 गोलियां गिनकर बिठाएंगे। 24 गोलियां से ज़्यादा भी नहीं बिठाना है और कम भी नहीं बिठाना है, नहीं तो हैंडल के रोटेशन में प्रॉब्लम आएगा। अब हम टॉप वाली कटोरी बिठा लेंगे। अब हम चिमटे को बिठा लेंगे। अब हम ये वाली कटोरी भी निकाल कर इसे साफ करके ग्रीजिंग कर लेंगे। अब हम इस टॉप वाली कटोरी को भी ग्रीजिंग कर लेंगे। कटोरी को ग्रीजिंग करने के बाद हम यहाँ बिठा देंगे इसे। अब हम नए स्टील बॉल्स को बिठा लेंगे। यहाँ भी हम 24 स्टील बॉल्स बिठाएंगे। अब हम इसके ऊपर जो बैठने वाले रिंग है इसको भी ग्रीजिंग कर लेंगे। अब हम रिंग को बिठा लेंगे। अब हम इसे बिठा लेंगे। ये जो घाट है यहाँ बिठा लेंगे। ये देखिए ऐसे। ये जो हिस्सा है ये स्लॉट में बैठना चाहिए। ये देखिए ऐसा, ये वाला, ये यहाँ बैठना चाहिए ऐसा। अब हम इस वाले लॉक नट को भी बिठा लेंगे। अब हम हैंडल बिठाएंगे। हैंडल बिठाएंगे तो यहाँ एक मार्किंग रहती है देखिए, और यहाँ एरो दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट, और ये जो मार्किंग है यहीं तक इसको अंदर डालना है, और ये जो ये दिख रहा है आपको ये पार्ट, ये लूज़ रखना है। अंदर डालने के बाद इस बोल्ट को हम टाइट करेंगे, पहले नहीं। अब हम हैंडल को अंदर डाल लेते हैं। हैंडल को अंदर डालने से पहले ब्रेक का जो ये रॉड है पतला वाला, इसको इसमें फिट कर लेंगे दोनों को, उसके बाद इसको अंदर डालेंगे। अब हम हैंडल को घुमाते जाएंगे नीचे की तरफ, और ये मार्किंग यहाँ तक लेंगे। दोस्तों अब हमने इसे मार्किंग तक ले लिया है। अब हम इस लॉक नट को टाइट कर लेंगे, और इस रिंग को भी। इस थ्रेडेड रिंग को हम स्लिप जॉइंट प्लायर से टाइट करेंगे। तो ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हैंडल अपना फ्रीली घूमना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ज़्यादा, आराम से घूमना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ओके है, इजीली घूम रहा है। अब हम लॉक नट को बॉटम पाने से टाइट कर लेंगे। अब हम 13 के ओपन स्पैनर से ये वाला बोल्ट टाइट कर लेंगे। अब हम ब्रेक को सेट करके ये दोनों नट 10-11 के ओपन स्पैनर से टाइट कर लेंगे।
दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे एटलस साइकिल का हैंडल सर्विसिंग कंप्लीट हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।